सो हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, अभी मैंने वीडियो फिर से स्टार्ट कर दिया है। मैंने बहुत दिन हो गया था, मैंने वीडियो बनाया नहीं था, ब्लॉग बनाया नहीं था, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो सो अभी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सो आज मैं जाऊँगा द्वितीय बांगे बाजार। तो सो मेरा दोस्त मेन रोड पर इंतजार कर रहा है, अभी उसके पास जाएंगे और उसको भी जाएगा मेरा साथ, तो उसको भी लेके जाना है तो बांगे बाजार। तो सो अभी थोड़ी देर बाद निकलते हैं यहाँ से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए बिल्कुल भी ना भूले। तो सो गाइस, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आप लोग से मिलते हैं गोब्रो कैमरे के साथ। सुहाना
यार नजारा है यार। ओ माय गॉड, वो मिर्ग जाने बाटो थे, मिर्ग जान थे पुल वाला। हल्का एक सेल्फी हो जाए सो गाइस। तो घर से 1.5 घंटा चलने के बाद फाइनली अभी हम लोग दुधिया पहुंचे हैं, जो कि ये दुधिया ब्रिज है, बहुत ही फेमस ब्रिज है। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। नज़ारा तो यहाँ का वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग को दिखाता हूँ नज़ारा यहाँ का कैसा है। ओ भाई साहब देखिए क्या ही नज़ारा है। ओ माय गॉड ऑसम यार, खूबसूरत वादिया यहाँ, छोटा छोटा तो घर बनाया हुआ है, क्योंकि कितने की स्पॉट है। और ये दुधिया का ब्रिज, और ये नदी जो है ना, अभी क्या नाम, पानी बहुत ही कम है, और पहले जो था बहुत ही ज़्यादा पानी होता था, तो हम लोग यहाँ पर आते थे, नहाते थे, थोड़ा सा चिल हो जाता था। और यहाँ का देखिए खूबसूरत पहाड़, और जो कि सुमान बहुत हैंडसम लग रहा है भाई ब्रो, तो सो अभी सेल्फी ले रहा है। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है यार। ओ भाई इधर तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है यार। सो यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से कुछ ही दूर जाके वह हम लोग बांगे बाजार घूमेंगे, जो कि आज फर्स्ट ब्लॉग होगा मेरा बांगे बाजार का। तो सो देखते हैं क्या होता है यहाँ का नज़ारा, आप लोग जरूर देखिए। सो अभी हम लोग बांगे बाजार के लिए निकलने वाला है, और मेरा ब्लॉग जो है बांगे बाजार तक ही रहेगा। सो देखो भाई खूबसूरत नज़ारा तो देख लिया है। दाजु हो ना, अरे तेरा सुपर दाजु है ना। हाँ। तो अभी हम लोग बांगे बाजार के अंदर आया है, देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। अभी बाजार जस्ट स्टार्ट हो रहा है, देख सकते होंगे आप लोग, अभी कम्प्लीटली नहीं लगा हुआ है, आदमी लोग आया नहीं है, अभी बहुत ही भीड़ रहता है। फर्स्ट हो आज कति आऊँ थे ना, तर मैं बांगे तो पोस्थ थी क्यों आऊँ थे
उता पिकनिक स्पोट जान्थ्यो होइन, त्यहाँनिर अब त्यही गयो, मासु सासु खायो, केटाहरू बियर सेयर खान्थ्यो, बियर सेयर खाएपछि आफ्नो बाटो चल्थ्यो। के किन्ने सुमन, किन नकिन्ने? मेरो दोस्त मात्र कुछ नै खरिदेका यार, कस्तो खरिदो यार, रिमेम्बर रहेका बाङ्गेका। ओ भाइ, अब लोको कपडा खरिदेन त यहाँ, यो बाङ्गेमा सस्ता सस्ता मिलेका, सब जेबीको कपडा। जेबी का हाफ पेन्ट ड्युटी गर्नेको टाइममा लगाउनेको लागि होगा न? एकदम दामी कलर देखेँ। ले लो ले लो, 20 रुपियाँ 30 रुपियाँमा दे देगा सर। ओ भाइ, मजा मजाको हाफ पेन्ट है, देखिए गाइस, तो आप लोग भी आइए बंगे में और इतना मजा मजा का पेन लीजिए। छोटा हाफ पेन्ट तर कम्फर्टेबल हुन्छ लाउनु। ओ दाई, कति रुपियाँ हो यो हाफ पेन्टहरू? ए, म त सोचे 20-30मा पो दिन्छ होला भनेको त। 100 रुपियाँ बोल रहा यार। र मतलब अभी शोरूम से लेके आ रहे हैं ना भाई? हाँ, मतलब अभी शोरूम से लेकर आ रहा है भाई। हाँ, वही तो बात है। तर गरम में एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ नि, फेरि राम्रो कपडा हेरेर लानुपर्छ कि, अन्त गरममा लाउनु लागि चाहिँ ऊ हुन्छ। ओ भाइ, ठिकै रहेछ यो त, लिया एकदम। लामो लामो हेर न, ड्युटी तिम्रो ड्युटीमा लाउनु ठिक हुन्छ त तिमीलाई त। हो हो, एकदम सस्तो सस्तोमा लुगा पाउँछ। आयो थ्री क्वार्टर हाफ प्यान्ट, आयो 100 रुपियाँ गोटा, हाफ प्यान्ट आयो 100 रुपियाँ गोटा। 100 देखि कम्ती हुँदैन अङ्कल? ओ अङ्कल, 100 देखि कम्ती हुँदैन? सुमन हेर हेर, हाम्रोसँग लेडिसै छैन। बाप्रे, नेपाली खतरा बोल्छ त, लिएर गयो। सो गाइस, अभी बजार घुम्पे के कम्प्लिट हो चुका है, तो कुछ भी नहीं है, बजार भी अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न सिलीगुड़ी जाएंगे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के अनुसार। अभी के लिए बाय बाय।